इसराइल के हमास पर भीषण हमले के बाद से फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन सक्रिय हो गए हैं, जो इसराइल पर बेहिसाब हमले कर हमास का बखूबी साथ दे रहे हैं। इन्हीं में से एक है इराक का इस्लामिक प्रतिरोध, जिसने इजरायली सैन्य बलों का जीना मुहाल कर दिया है। इसराइल का आरोप है कि इराक के इस आतंकी संगठन को ईरान का समर्थन हासिल है, जो हथियारों के दम पर इसराइल पर हमलावर है। इराक में इस्लामिक प्रतिरोध ने दावा किया है कि कब्जे पर फिलिस्तीन के अंदर हाइफा में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य को निशाना बनाया। इस दौरान इजरायली बलों के ठिकानों पर जमकर तबाही मचाई। प्रतिरोध में दावा किया है कि ड्रोन का इस्तेमाल करके टारगेट पर सटीक वार कर इजरायल को बड़ी चोट पहुंचाई। वहीं इजरायली कब्जे का विरोध करने के लिए ऑपरेशन के दूसरे फेज में हमलों की नई सीरीज शुरू की गई, जहां एक एक कर बमों की बौछार कर इलाके में तनाव बढ़ा दिया गया। इसके अलावा इराक के इस्लामिक प्रतिरोध ने दुश्मनों के गढ़ों के विनाश को जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। साथ ही गाजा में लोगों के साथ उनकी एकजुटता और उनके दृढ़ संकल्प की बात दोहराई है। साथ ही चेतावनी दी कि रक्षाहीन फिलिस्तीनी नागरिकों पर किए गए इजरायली नरसंहार के खिलाफ ये जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी। प्रतिरोध ने एक वीडियो रिलीज कर दावा किया है कि कई ड्रोन दक्षिणी कब्जे वाले फिलिस्तीन में इलाट बस्ती की ओर बरसाए गए, जहां पर जमकर विनाश देखा गया। इस्लामिक प्रतिरोध के सैन्य मीडिया ने इसराइल को धमकाते हुए चेतावनी दी कि दहशत अभी खत्म नहीं हुई है और अभी बहुत कुछ है। साफ जाहिर है कि हमास पर हमले से भड़के ईरान समर्थित चरमपंथी संगठन शांत होने वाले नहीं है। यही वजह है कि इसराइल एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध के भंवर में फंसा हुआ है। इस डगर में उसे कई भीतर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इस्लामिक प्रतिरोध ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि वो इसराइली आक्रामकता के बीच अपने खूंखार अभियान को जारी रखेगा। अल मयादीन की रिपोर्ट की माने तो ऐसा तब हुआ जब इराक ने इस्लामिक प्रतिरोध ने 20 अप्रैल को इसराइल के कब्जे वाले एक रणनीतिक इसराइली लक्ष्य के खिलाफ ड्रोन हमला किया था, जो एक सैन्य अड्डे के खिलाफ इसराइली हमले के जवाब में था, जहां एक पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस की एक टुकड़ी तैनात थी। इराकी प्रतिरोध ने शनिवार सुबह इलियट बंदरगाह के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसमें कहा गया कि इराकी संप्रभुता के उल्लंघन, पीएमएफ के खिलाफ आक्रामकता और इजरायली नरसंहार के खिलाफ गाजा के समर्थन में था। बता दें कि इजरायल हमास युद्ध की शुरुआत से ही इराक का इस्लामिक प्रतिरोध लगातार नेतन्याहू के लिए गले की फांस बना हुआ है। इजरायल का आरोप है कि ईरान गुपचुप तरीके से इजरायल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर कर अपना हित साध रहा है। हालांकि नेतन्याहू ने भी साफ किया है कि इजरायल ऐसे हमलों से डरेगा नहीं, बल्कि भीषण पलटवार करता रहेगा। ऐसे में हालिया हमले से अरब जगत में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई गई है।